रही हूँ टॉप फॉरवर्ड केक, तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप दही, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इन सबको हम अच्छी तरीके से हैंड विस्कर की हेल्प से मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें बबल्स ना आ जाए। जैसा आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ गया है। तो अब हम दूसरे बाउल में लेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर। जैसा कि ये डच चॉकलेट केक है तो इसका स्पॉन्ज भी हम चॉकलेट वाला बनाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। इसको हम अच्छी तरीके से चाल लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो हमारा ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसमें हम अपना ये दही और चीनी का मिक्सचर है इसको मिक्स करके स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ध्यान रहे कि हम ये जो हमारा दही चीनी का मिक्सचर है इसको एक साथ नहीं डालना है, 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। अगर हमारा बैटर आपको लगता है कि थिक है तो इसमें आप रूम टेम्परेचर पर मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि ये रिबन कंसिस्टेंसी का बन जाए। बहुत ज़्यादा फ्लोई बैटर भी बना के नहीं रेडी करना है और बहुत थिक भी नहीं, हमें रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर रही हूँ अपने बैटर को। यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया हुआ है और इसको बटर पेपर से लाइन कर दिया है। तो हमारा ये जो बैटर है इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में, और मैं इसको OTG में बेक करूँगी। तो मैंने OTG को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने के लिए रखा है 180 डिग्री पे। अब हम जो हमारा केक टिन है इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे। हम इसको बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए मिडिल रैक पे, ऊपर नीचे की रॉड को ऑन करके 180 डिग्री पे। हमारा स्पॉन्ज बेक हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हाइट आई है इसमें, काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। तो अब यहाँ पे हम अपनी क्रीम विप करेंगे। यहाँ मैंने 300 ml विपिंग क्रीम लिया है, ये मेरा 1/2 kg का केक है। ये हमारी क्रीम बहुत अच्छे से विप हो गई है, मैं अपने बाउल को उल्टा टर्न करूँगी तो भी नहीं गिरेगी। और अभी जो हमारा स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ था इसमें जो डोम शेप आ गया है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी और इसको मैं 3 लेयर्स में कट करूंगी स्पॉन्ज को। यहाँ पे मैंने केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगा दी है और ये गनाश बना के मैंने पहले से रखा था। तो ये डच चॉकलेट केक है, हम क्रीम में ही गनाश को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्रीम जो है चॉकलेटी भी हो जाती है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। गनाश बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मेरा चीनी पानी का मिक्सचर है जिसमें मैंने चॉकलेट ऐड कर दिया है और मैं स्पॉन्ज को सोक कर रही हूँ ताकि हमारा स्पॉन्ज जो है जब हम केक खाएँ तो ड्राई ना लगे। अब यहाँ पर मैं क्रीम अपने स्पॉन्ज की लेयर पे स्प्रेड कर रही हूँ, लेयरिंग के लिए क्रीम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चॉको चिप्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट चॉकलेट को ही कट करके लेयरिंग में डाल दे रही हूँ और जो गनाश बनाया था उसको हम लेयरिंग में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा लेयर रखेंगे स्पॉन्ज का, उसको भी हम चीनी पानी के मिक्सचर से सोक कर लेंगे अच्छे से। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, क्रीम लगाएंगे लेयर पे, चॉकलेट लगाएंगे और गनाश लगाएंगे। और ध्यान रहे जब भी हम क्रीम से लेयरिंग करते हैं तो हम साइड साइड की क्रम कोटिंग भी करते जाएंगे केक की, ताकि हमारा जो फाइनल आइसिंग जब हम करें तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए।
ये जो हमारा नीचे का, जब हम स्पॉन्ज बेक करते हैं तो हमारा जो नीचे का बेस होता है, जब हम लेयर्स कट करते हैं तो जो नीचे वाली लेयर होती है इसको हमें सबसे ऊपर टॉप पे यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा केक का शेप जो है वो एकदम परफेक्ट रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे, जैसे मैंने अभी नीचे की लेयर को टॉप पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम फाइनल आइसिंग करेंगे। मैं पैलेट नाइफ़ की हेल्प से पहले मैंने क्रीम जो है स्प्रेड कर ली साइड साइड में। अब हम स्क्रैपर की हेल्प से इसको स्मूथ कर देंगे। जहाँ जहाँ पे मुझे बेस दिख रहा है वहाँ वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा के उसको स्प्रेड कर दिया है। अब हम ऊपर ब्रश की हेल्प से पैटर्न दे देंगे और साइड साइड में भी ब्रश की हेल्प से इस तरीके से पैटर्न दे देंगे, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जैसा कि ये टॉप फॉरवर्ड केक है तो हमें इसको थोड़ा सा कट करके इसको ऐसे स्टैंड करना होता है, तो कट करने से पहले मैंने स्क्रैपर की हेल्प से इस पर मार्क कर लिया था कि मुझे कितना कट करना है। तो जब भी आप कट करें केक को तो ध्यान रखें आपके पास बड़ी वाली नाइफ हो तो उसी से कट करें, और इसको स्टैंड करने के लिए इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से दो नाइफ की हेल्प से स्टैंड कर दें। काफ़ी इसको स्टैंड करने में डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट अगर आप केयरफुली करेंगे तो ये हो भी जाएगा अच्छे से। तो अभी पीछे जो हमारा बेस दिख रहा है वहाँ पे हम ये क्रीम लगा के इसको भी ढक देंगे अच्छे से, और ये केक बहुत ही इजी होता है बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा हाफ के जी का केक था, तो टॉप फॉरवर्ड केक तो अक्सर करके क्योंकि ट्रेंडिंग है तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लो बजट का टॉप फॉरवर्ड केक बनाना बता रही हूँ कि अगर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं यूज़ करना है और या आपको फॉक्स बॉल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं तो आप लो बजट में कैसे गोल्डन बॉल्स बना के यूज केक में डेकोरेट कर सकते हैं, और क्रीम से ही रोज़ बना करके डेकोरेट कर सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे केक के फ्रंट पे पैटर्न दे दिया है ब्रश से ही, जो मैंने वो राउंड पैटर्न दिया था वो मेरा थोड़ा सा पीछे से आइसिंग करते टाइम ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने बाद में केक पे पैटर्न दे दिया था स्टैंड करने के बाद। अब हम अपने केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा केक जो है, यहाँ मेरे केक बोर्ड का वेट था 70 ग्राम, और यहाँ पे मेरा केक 500 ग्राम से ज़्यादा बनके रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फॉक्स बॉल्स लगा लूँगी, और ये जो कैडबरी की चॉकलेट बॉल्स आती हैं 10 रुपीज़ का पैकेट होता है, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उसको गोल्डन कलर से जो एडिबल लस्टर डस्ट आता है गोल्डन का, उससे आप इसको पेंट कर दीजिए, तो ये मतलब बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये वो चॉकलेट बॉल्स हैं, ये बिल्कुल फॉक्स बॉल जैसे लगता है और आप इसको खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं ये चॉकलेट बॉल से भी। अब यहाँ पे मैं अपना चॉकलेट से क्रीम से रोज़ बनाऊंगी। रोज़ बनाना मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि आप किस तरीके से रोज़ बना सकते हैं। मेरे पहले मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक साइड में रोज़ को प्लेस कर दूँगी। और इसके बाद मैंने ब्रश से ही वो गोल्डन लस्टर डस्ट को थोड़ा सा स्प्रे कर दिया था रोज़ पे और केक पे, और बॉल्स को मैं थोड़ा सा और गोल्डन कलर से कलर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स थे तो मैंने साइड साइड पे उसको भी स्टिक कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो ये मेरा टॉप फॉरवर्ड केक बन के रेडी हो गया है। आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।